नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। वीरे टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। हम सब में किसी न किसी भगवान के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा होती है और उसी श्रद्धा की वजह से हम उनके दरबार में अपना माथा टेकने जरूर जाते हैं। आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे राजस्थान के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा के बारे में, जानते हैं उनके इतिहास और रहस्य के बारे में। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित परमधाम है खाटू, जहां विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहां पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही उनको दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की ही आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर से सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। अब जानते हैं इस जगह से जुड़े कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में। खाटू श्याम अर्थात माँ स्वयं पराजिता, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झावरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन माना जाता है। बर्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजय थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से बर्बरिक को पूजा जाएगा और उनके स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं।
तो ये थी खाटू श्याम बाबा के मंदिर का इतिहास और उनके रहस्य की कहानी। मैं अभी लेती हूँ आपसे आज्ञा। नमस्कार।